हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी CCL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है CCL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 608 ट्रेड और फ्रेशर अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 6000 रुपये से लेकर 9000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका रांची झारखंड होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 260 वैकेंसी है, फिटर के लिए 150 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल के लिए 40 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसी है, मशीनिस्ट और टर्नर के लिए 10-10 वैकेंसी है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है, अकाउंटेंट या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए 30 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 15 वैकेंसी है, सर्वेयर के लिए 5 वैकेंसी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 20 वैकेंसी है, जबकि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 10 वैकेंसी है, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी है, वहीं सर्वेयर, वायरमैन और मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 10-10 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल और मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी पोस्ट की, तो इसके लिए 5-5 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, ITI, क्लास 12th, BCOM या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल, कोपा, मशीनिस्ट, टर्नर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है, साथ ही ITI किया होना आवश्यक है रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। वहीं अकाउंटेंट या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए आपका BCOM या पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस से किया होना आवश्यक है। वहीं बात कर लेते हैं वेल्डर या सर्वेयर की, तो इसके लिए भी आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है, साथ ही ITI किया होना जरूरी है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। वहीं अगर बात कर लेते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो इसके लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं बाकी की पोस्ट की, तो इसके लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है या फिर क्लास 12th पास किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल, कोपा, मशीनिस्ट, टर्नर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपको मिल जाएगी 7000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अकाउंटेंट या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए आपको मिल जाएगी 9000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि वेल्डर, सर्वेयर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको मिल जाएगी 7000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 6000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच है 1 मई 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें, तो इसे आप इस वीडियो को पास करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल तक की, जबकि SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल मेरिट और इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 24 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 18 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।